नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की बात करते हैं पहली खबर से। तो होली से पहले आम आदमी को मिल सकती है राहत, घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आने वाले दिनों में जो है पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है। दरअसल खबरों के मुताबिक इस बार पेट्रोल मंत्रालय 1 से 2 रुपए की कटौती जो है वो करने की घोषणा कर सकता है। वह ये घोषणा जो है इसी महीने होने के आसार है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले त्योहारी सीजन में जो है आम आदमी को राहत मिल सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 6 से 11 रुपए सस्ते हो सकते हैं। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में जो यहाँ पर की जो क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमतों से भी ये सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है OMC भी प्रॉफिट यहाँ पर इसमें दिखा रही है, यानी OMC भी जो है प्रॉफिट में यहाँ पर दिख रही है। इसके चलते जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हो सकती है। वह रिपोर्ट्स के अनुसार फ्यूल प्राइस जो है वो सस्ते करने के लिए जो है पेट्रोल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी है। इसके अलावा ICRA की एक रिपोर्ट में भी पेट्रोल डीजल की दामों में कटौती करने को लेकर संभावनाएं जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल उत्पाद की तुलना में भारतीय तेल कंपनियां भी मुनाफे में हैं। इस हिसाब से देखें तो मार्जिन के आधार पर पेट्रोल पर लगभग 11 रुपए प्रति लीटर का फायदा दिख रहा है, वहीं डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर का फायदा जो है वो नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सितंबर 2023 के बाद पेट्रोल के मार्जिन में सुधार देखा गया है और डीजल अक्टूबर 2023 के बाद उसमें भी जो है सुधार देखा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो साल से लागू हो सकता है 5-डे वर्किंग मॉडल, सैलरी में होगी बढ़ोतरी। बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही हफ्तों में 5 दिन की काम करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार इस साल जो है मांगों को मान सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद बैंकों में 5-डे वर्किंग मॉडल जो है वो लागू हो सकता है। वह इस बीच जून 2024 में बैंक कर्मचारियों की सैलरी जो है उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। वह इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक कर्मचारी यूनियनों के गठबंधन यूनाइटेड फॉर बैंक यूनियंस ने जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैंकिंग सेक्टर के लिए 5-डे वर्किंग वीक की इजाजत देने के लिए पत्र जो है वो लिखा है। बैंक एम्प्लॉयज यूनियंस ने यह भी आश्वासन दिया है कि ग्राहकों के लिए बैंकिंग घंटों या फिर कर्मचारियों अधिकारियों के कुल काम के घंटों में कोई कटौती जो है वो यहाँ पर नहीं की जाएगी। वह इन जो यूनियन जो है उन्होंने वित्त मंत्री से इस मामले में समीक्षा करने और IBA जो यानी भारतीय बैंक संघ को इसके अनुसार निर्देश देने का आग्रह जो है वो किया है। फिलहाल अभी देश के अंदर जो है शाखाएं 2रे और 4थे शनिवार को बंद रहती है। बैंक यूनियंस 2015 से सभी शनिवार और रविवार को छुट्टी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। 2015 में साइन 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत जो है RBI और सरकार ने IBA के साथ समझौता व्यक्त की और 2रे और 4थे शनिवार के रूप में छुट्टियां यहां पर घोषित जो है वो की। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत में तेजी से बढ़ रहा है पुरानी कारों का बाजार, 10 साल में हो जाएगा 8 लाख करोड़ से भी बड़ा। भारत में जो है तेजी से जो पुरानी कारों का बाजार जो है वो बढ़ रहा है, 10 सालों में ये 8 लाख करोड़ से भी बड़ा यहाँ पर होने की बात कही गई है। वही ये लगभग जो है 10 सालों में 100 अरब डॉलर यानी करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। कार्स 24 की जो संस्थापक जो है और मुख्य अधिकारी जो है कार्यपालक अधिकारी विक्रम चोपड़ा, उन्होंने ये राय जताई है। गुरुग्राम स्थित पुरानी कारों का जो यहाँ पर मार्केट प्लस जो है उनके अनुसार कारों की बात आती है तो बाजार में जो है बदलाव यहाँ पर इसमें आ रहा है और ग्राहक लगातार अपने वाहनों को बदल रहे हैं। वह चोपड़ा ने मीडिया रिपोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट में यहाँ पर बातचीत दौरान उन्होंने कहा है कि हमारे आंतरिक अध्ययन के अनुसार भारत का पुराना कार बाजार सालाना जो है 15% की दर से बढ़ेगा। ये 2023 के यहाँ पर 25 अरब डॉलर से बढ़कर जो है 2034 तक 100 अरब डॉलर का ये हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुरानी कारों का बाजार को कोई कारक से मजबूती यहाँ पर इसको यहाँ पर मिलेगी, यानी कई कारकों से मजबूती मिलेगी। इसमें शहरीकरण की ओर बढ़ता मध्यम वर्ग जैसे कारक भी शामिल है। इससे ग्राहकों की प्राथमिकता में बदलाव आ रहा है और सस्ते परिवहन का समाधान की मांग जो भी वो भी बढ़ रही है। वही इन्होंने आगे कहा है कि जब कार्स 24 ने 8 साल पहले अपनी कार यात्रा जो है वो शुरू की थी तब पुरानी कार बाजार का आकार लगभग 10 से 15 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में विभिन्न प्रकार की कारों के आने से इस बाजार में वास्तव में जो है वो तेजी आई है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की तुलना में भारत में कारों का स्वामित्व का स्तर जो है काफ़ी कम है, यानी भारत में जो कारों का स्वामित्व
जो है वो काफ़ी कम जो है उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि अमेरिका, चाइना और यूरोप में 80-90% आबादी के पास कार है, वहीं भारत में सिर्फ 8% आबादी के पास ही अपने चार पहिया वाहन है। पर उन्होंने कहा कि ऐसे में हम अभी जो है हमें लंबा जो रास्ता जो है वो तय करना है। चोपड़ा ने कहा है कि पुरानी कार का बाजार बढ़ने की एक और वजह यह भी है कि युवा आबादी आज 5 से 6 साल में अपनी कार जो है बदल देती है, तो 2 दशक पहले लोग 10 से 12 साल तक कार अपन नहीं बदलते थे, लेकिन अब तो 4 से 5 साल में जो है कारों को जो है वो बदल देते हैं।